जय श्री कृष्णा भक्तों, भक्ति ज्ञान उपासना चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे दिन की कथाएं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषि वरों, नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से पूछा, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कठोर जुलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थपना तम प्रयत्नता। हे मुनीश्वरो, मेरा विचार वही ज्ञान यज्ञ करने का है जिससे संसार में सर्वत्र भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना हो। आप अब ऐसा उत्तम स्थान बताएं जहां मैं ज्ञान यज्ञ आरंभ करूं, वह आप ही भागवत की महत्वता का वर्णन करें। ये कथा कितने दिनों तक सुननी चाहिए, इसकी विधि क्या है, इन सब बातों पर प्रकाश डालने की कृपा करें। सनकादिक ने कहा, हे नारद, हम तुम्हें उत्तम स्थान बताते हैं। हरिद्वार के समीप आनंद नामक गंगा तट है। वो ऋषि मुनि एवं देवताओं से सुशोभित बड़ा ही पवित्र एकांत और रमणीय है। वहां पर जाने पर मनुष्य के हृदय में बैर की भावना नहीं उठती। तुम वहीं पर ज्ञान यज्ञ आरंभ करो, वहीं रस से भरी अपूर्व कथा होगी जिसका शब्द सुनते ही भक्ति ज्ञान वैराग्य वहां पहुंच जाएंगे। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषिवरों, ये कहकर के सनकादिक महर्षि नारद जी के साथ गंगा तट पर गए। इनके वहां पहुंचते ही तीनों लोकों में इसकी चर्चा फैल गई। चारों ओर से भगवान के भक्त भृगु, वशिष्ठ, चवन, गौतम, परशुराम, विश्वामित्र, व्यास, पाराशर आदि ऋषि महर्षि अपने शिष्यों और पुत्रों के सहित कथा रूपी अमृत पान करने के लिए गंगा तट पर आ गए। गंगा प्रभूति पुण्य नदियां, तीरथ क्षेत्र, पुण्य वन आज सभी के देवगण वहां उपस्थित हुए। एक विशाल समारोह वहां पर हो गया। जय शब्द, नमः शब्द और शंख ध्वनि के साथ अबीर, गुलाल, खील, पुष्पों की वर्षा होने लगी। विमानों में चढ़े देवगण भी कल्प वृक्ष के पुष्प बरसाने लगे। कथा में रुचि न रखने वाले विषय शक्ति संसारी जीवों को स्वयं भृगुजी प्रेरित करके ले आए। इस प्रकार जब सभी स्थाचित होकर कथा श्रवण करने अपने अपने आसन पर बैठ गए, चारों कुमारों में ज्येष्ठ श्री सनत कुमार ने भागवत मातम कहना प्रारंभ किया। सनत कुमार जी कहते हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समासेत। हे नारद जी, भागवत की कथा का सदा सेवन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से भगवान हृदय में विराजते हैं। मनुष्य अज्ञान में संसार में तभी तक भ्रमण करता है जब तक मंगलमयी कथा उसके कानों में नहीं पड़ती। विविध वेदों से भ्रम उत्पन्न करने वाले नाना शास्त्र अन्य पुराणों के श्रवण से ऐसा लाभ नहीं होता। मुक्ति प्रदान के लिए केवल भागवत की कथा ही समर्थ है। गंगा, गया, काशी, प्रयाग, कोई भी इस कथा की बराबरी नहीं कर सकते। यदि मनुष्य सदगति चाहे तो उसे अपने मुख से इस भागवत कथा का एक या आधा श्लोक नित्य अवश्य पढ़ना चाहिए। जो प्रतिदिन लोक भाषा में कहा जाए भागवत का अर्थ सुनता है, सुनाता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मरण काल में जिसके कानों में श्रीमद् भागवत की कथा की धुनी पड़ जाती है, वो प्राणी भी सीधे वैकुंठ चला जाता है। जो मनुष्य सोने के सिंहासन पर भागवत पुराण रखकर के विद्वान को दान करता है, भगवान के साथ सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। आजन्म मात्र मपेन सतेन किंचित
चित्तं विदाय सुखशास्त्र कथा न पीता चांडाल वचिखर वदवत तेन नीतम मित्ता सुजन्म जननी जन रोख वाजा। श्रीमद् भागवत की जो कथा है, इसकी कथा को एक बार भी जो चित लगा करके सुन लेता है वो मुक्ति को प्राप्त होता है। जिस मूर्ख ने भागवत की कथा नहीं सुनी उसने अपना जीवन चांडाल और गधे के समान व्यर्थ कर डाला, माता का भी जीवन अपने जन्म से कलंकित किया। पृथ्वी के भारभूत ऐसे जीवन मुक्त पापी को स्वर्ग के देवता अगर धक्काते हैं, ये कथा करोड़ों जन्मों के पुण्यों के उदय से प्राप्त होती है, इसलिए इसके सुनने में कोई नियम नहीं है। सर्वदाई सिद्धा भक्ति से इसका सेवन किया जा सकता है। कलयुग में मनुष्य की आयु थोड़ी है, विघ्न बहुत हैं, यम नियम आदि साधन भी कठिन है, इसलिए सुखदेव जी के आदेश के अनुसार सप्ताह श्रवण करना चाहिए। जब तप योग समाधि मार्ग स्नान का जो फल है वो सप्ताह श्रवण से ही प्राप्त हो जाता है। सप्ताह के सामने योग ध्यान ज्ञान सब की गर्जना समाप्त हो जाती है, कोई टिक नहीं पाता। सभी साधनों को तृणवत कर सप्ताह निरंतर गर्जता रहता है। भागवत की ऐसी महिमा सुनकर सोनक जी ने पूछा, हे सूत जी इस पुराण का इतना महत्व क्यों है? श्री सूत जी ने कहा, हे सोनक जी भगवान श्री कृष्ण जब पृथ्वी त्याग कर अपने धाम को जाने लगे तब उद्धव ने कहा कि हे भगवान आप तो जा रहे हैं, आगे कलयुग आने वाला है, उसमें बड़े दुष्ट दुराचारी पुरुष पैदा होंगे जिनके संग से सत्पुरुषों की बुद्धि भ्रम हो जाएगी, उनकी रक्षा का कोई उपाय तो आप बताते जाएं। इस पर भगवान ने अपना दिव्य तेज भागवत में नियत कर स्वयं भी उसमें प्रवेश हो गए। इस कारण से ये साक्षात भगवान की मूर्ति है। इसके श्रवण पाठ करने से दर्शन करने से संपूर्ण पाप राशि भस्म हो जाती है। कलयुग में सबसे प्रधान सप्ताह श्रवण की कथा को माना गया है। सूत जी कहते हैं, सोनक जी इस प्रकार सभा में शनकादिक महर्षियों ने सप्ताह के महत्व का वर्णन किया। उस समय चमत्कार आश्चर्य हुआ। उसी समय भक्ति दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ जवान होकर के वहां पर भगवत नाम कीर्तन करती हुई प्रकट हो गई। उससे देख करके सभी सभासद आश्चर्य करने लगे, परस्पर कहने लगे, ये देवी दिव्य रूप धारण करके मनुष्यों के मध्य में कैसे आ गई? श्री सनत कुमार बोले, अरे ये देवी तो भगवती कथा के प्रेम रस से अभिभूत हुई है। इस पर भक्ति देवी ने नम्रता पूर्वक कुमारों से कहा, आपने इस कथा से मुझे पुष्ट कर दिया, आज्ञा कीजिए मैं कहाँ निवास करूं? सनत कुमार जी ने कहे, देवी तुम सर्वदा भक्तों के हृदय में निवास करो। तभी से भक्ति भक्तों के हृदय में निवास करने लगी। संसार में वो प्राणी धन्य हैं जिनके हृदय में भक्ति निवास करती है। भगवान श्री भक्ति सूत्र में बनकर के वही आ जाते हैं। हे नारद इस पुराण के महत्व का वर्णन कहाँ तक करूं? इसके कथा श्रवण और मनन करने से भक्ता श्रोता दोनों ही कृष्ण रूप हो जाते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषिवरों भक्तों के हृदय में इस प्रकार अलौकिक प्रीति देखकर उसी समय पर भगवान भी दिव्य रूप से सभा मंडल में प्रकट हो गए। भगवान का दर्शन पाकर के सबके सब प्रफुल्लित होते, चारों आनंद का सागर में पड़ा, जय जयकार की ध्वनि और शंख ध्वनि से आकाश गूंज उठा। सुगंधित अबीर गुलाल पुष्पों की वृष्टि से सभा स्थल की शोभा पूर्ण हो गई। वहाँ बैठे लोगों की देह की सुध-बुध ना रही। ऐसी तन्वे अवस्था देख करके नारद जी ने कहा, इस सप्ताह की अद्भुत महिमा मैंने आज देखी। मूर्ख पशु पक्षी कीट पतंग सभी पाप मुक्त हो गए। संसार में इस कथा से बढ़कर के कोई साधन नहीं है। अब एक बताएं कि सप्ताह यज्ञ में किन किन पापियों की शुद्धि होती है? सनत कुमार जी ने कहा,
जो मनुष्य दुष्ट पुरुषों के आचरण में निरत रहकर पाप कर्म करते हैं, कुमार्ग में चलने वाले हैं, काम क्रोध रूपी अग्नि से दग्ध कुटिल और कामी हैं, वो भी सप्ताह श्रवण से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से हीन माता पिता को कष्ट देने वाले, कुल कलंकी आश्रम धर्म से भिन्न दूसरों के कष्ट को सहन न करने वाले तथा हिंसक हैं, वो सभी सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो पांच प्रकार के महापापों से युक्त हैं, ब्राह्मण के धन से पुष्ट हैं, कुल प्रवृत्ति वाले हैं, पिशाच के समान निर्दयी हैं, छल कपट से भरे हैं, निरंतर व्यवहार करने वाले हैं, वो भी सप्ताह से पवित्र हो जाते हैं। हे नारद, इस विषय में मैं तुम्हारे सामने प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। इस इतिहास को आप ध्यान लगा कर के श्रवण करो। ये धुंधकारी की कथा है, आत्मदेव ब्राह्मण की कथा है, गोकर्ण की कथा है, जिसमें धुंधकारी का गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत सप्ताह से उद्धार किया था।